नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के बॉर्डरों में पिछले 28 दिनों से जमे हजारों किसानों ने एक बार फिर केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव को हास्यास्पद और खोखला बता दिया। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो आग से ना खेले। वे कृषि कानूनों में संशोधन नहीं बल्कि कानून रद्द करने की मांग दोहराते हैं। 40 किसान संगठनों की बैठक के बाद योगेंद्र यादव ने कहा कि हम तीनों कृषि कानूनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की बात नहीं कह रहे हैं बल्कि तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो प्रस्ताव सरकार से आया है उसमें कुछ भी साफ नहीं है और स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ठोस प्रस्ताव लिखित में भेजे और खुले मन से बातचीत के लिए बुलाए। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा सरकार लगातार भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लगातार तथा कथित किसान नेताओं और संगठनों के साथ बातचीत कर रही है जो हमारे आंदोलन से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है। यह हमारे आंदोलन को तोड़ने का एक प्रयास है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का ने कहा हम सरकार से ठोस बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आग्रह करते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को निलंबित करें, इससे वार्ता को बेहतर माहौल मिलेगा। कक्का ने कहा कि हम गृह मंत्री अमित शाह को पहले ही कह चुके हैं कि प्रदर्शनकारी किसान संशोधनों को स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार को अपना हठी रवैया छोड़ देना चाहिए और किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए। अधिनियम पर उचित प्रतिक्रिया का आश्वासन इतना खोखला है कि उसका जवाब देना हास्यास्पद होगा, कुछ है ही नहीं उसमें। लास्ट पॉइंट और ये सबसे ऑपरेटिव पॉइंट है, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नियत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। आखिरी लाइन दोबारा दोहरा देता हूं मैं, आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। को आपने सुना, साफ तौर पर कहा गया है कि अब किसी भी तरह से कानून वापस जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा प्रदर्शन भी बंद नहीं होगा। कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रण पर किसान यूनियनों की तरफ से निर्णय ले लिया गया है। किसान नेताओं ने बातचीत का जो प्रस्ताव है वो ठुकरा दिया है और साफ तौर पर कहा है कि जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसी तरह से कोई बातचीत नहीं होगी। साथ ही सरकार के प्रस्ताव को इन किसान नेताओं ने हास्यास्पद बताया है और कहा है कि सरकार भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। तमाम जानकारी एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और वहीं योगेंद्र यादव की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि हम केंद्र को आश्वस्त करना चाहते हैं कि विरोध करने वाले किसान और यूनियन सरकार के साथ चर्चा के लिए तैयार है। हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार खुले मन और नेक इरादे के साथ चर्चा को आगे ले जाए। वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेता शिव कुमार काका का कहना है कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें सार्थक संवाद हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित करने को कहा है, ऐसे में बातचीत के लिए सही माहौल बन सकता है। वहीं योगेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार तथाकथित किसान नेताओं और संगठनों के साथ बातचीत कर रही है जो हमारे आंदोलन से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। समय पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रदीप जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर।
जी नमस्कार। प्रदीप जी, लगातार एक के बाद एक कई किसान संगठन ऐसे हैं जो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और पंजाब से रोजाना जत्थेबंदियां दिल्ली की ओर कूच कर रही है कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए, लेकिन सरकार जस की तस बनी हुई है। कहीं से किसी तरह के बदलाव को अभी सरकार तैयार नजर नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान नेताओं ने आज एक बार फिर से वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। आपकी प्रतिक्रिया। जी पल्लवी जी, ये हमारा मुल्क किसानों का मुल्क है जी। हमने भगवान को नहीं देखा लेकिन अन्नदाता को देखा है, और ये अन्नदाता इस ठंड में जिस तरीके से बैठे हुए हैं, जिस तरह से एक एक पल इस देश के लिए समर्पित है, जहां बॉर्डर पर जवान है, खेत पर किसान है, ऐसे में इनकी मांगे नजरअंदाज करना ये सरकार के अहंकार को प्रदर्शित करता है। सरकार पूरी तरह से दंभ में डूबी हुई है। इनके मंत्री, सांसद और विधायक कभी हमारे अन्नदाताओं को खालिस्तानी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी कहते हैं ये चाइना से इनको समर्थन मिल रहा, कभी कहते हैं कि इनको पाकिस्तान से फंड आ रहा। इनकी अकल पूरी तरह मंथरा गई। ये सरकार कॉरपोरेट की जेब से चल रही है। इन्होंने देश के सारे उद्योग, नवरत्न उद्योग, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और समस्त संस्थान कॉरपोरेट को देने का मन बना लिया, और वही इन तीनों कानूनों में है। क्यों नहीं इन्होंने संसद में उस पर चर्चा कराई? क्यों इन्होंने जल्दी जल्दी किया? क्यों इन्हें अंबानी और अडानी की परवाह थी? इन्हें किसानों की परवाह नहीं थी? अगर ये किसानों के हित का कानून होता तो इनका इतना पुराना सहयोगी दल अकाली दल है, उनकी मंत्री हरसिमरत कौर भी इनके विरोध में इस्तीफा दे चुकी है। हरियाणा के अंदर इनके जो सांसद रहे, मंत्री रहे, चौधरी बीरेन सिंह धरने पे बैठ चुके हैं। पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह इनके पार्टी के अंदर से ही ये आवाज उठ रही है कि ये तीनों कानून अगर किसान नहीं मान रहे हैं तो इन्हें रद्द करो। ये मन की बात सुनाते हैं लेकिन किसानों की बात नहीं सुनते हैं। और इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसका क्रियान्वयन मत करिए। ऐसे में पल्लवी जी, आज देश का अन्नदाता जो 24 की संख्या में उस धरना स्थल पर शहीद हो चुका है, शहादत दे चुका है, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई किसी नेता ने। जी लौट रही हूँ आपके पास तुरंत। इस समय अन्य मेहमान भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वसीम राजा जी काफी देर से बैठे हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। वसीम राजा जी, देखिए आपके प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं किसान नेता, कोई वार्ता नहीं होगी क्योंकि आपकी मंशा और नियति साफ नहीं लग रही है। आगे क्या रास्ता अपनाएंगे? क्या आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए 28 दिन तो हो गए हैं, 2 दिन बाद पूरा एक महीना हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, कितने त्योहार किसान बॉर्डर पर बैठ के मनाए? धन्यवाद पल्लवी जी। देखिए हम ये नहीं चाहते कि किसान धरने पे बैठे और आंदोलन पे रहे। हम तो लगातार किसानों को कह रहे हैं कि आप वापस जाइए अपने घरों को, सरकार आपकी पूरी चिंता कर रही है। और सरकार ने किसानों की जो मांगे थी, हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि लगातार जो जो किसानों के सुझाव थे इस कानून में, जो भी अमेंडमेंट की बात आ रही थी, सरकार उसको मानने को तैयार है। उसके बावजूद इस धरने पे बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बाकी रही बात, हम लगातार आपसे ये कह रहे हैं, जैसे कि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जैन साहब भी बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जैन साहब खुद केंद्र में मंत्री रहे, इनकी सरकार रही, 60 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया देश पे, लेकिन आज भी देश का किसान परेशान क्यों रहा? इसके पीछे सबसे बड़ा वजह जो है वो कांग्रेस है, सबसे बड़ी वजह कांग्रेस है। कांग्रेस की सरकारें इतने वर्षों तक रही, कोई काम नहीं हुआ किसानों के मसले को लेके। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसानों को सशक्त करने के लिए कानून बना लेके आए, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेसी और वामपंथी सोच के लोग
जो इनको ये लग रहा है कि हमारी जमीन तो खिसक चुकी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, इस कानून को लेके कुछ किसानों को गुमराह करके इसका विरोध करवा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये स्पष्ट है कि देश का किसान जो है सशक्त हो रहा है। और मेरे भाई प्रदीप जैन जी बैठे हैं कांग्रेस की तरफ से, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, मैं एक बात इनसे सवाल चाहूंगा कि जब अटल जी की सरकार थी, स्वामीनाथन आयोग का फ्रेमवर्क हुआ, उसके बाद स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ, लेकिन जो रिपोर्ट आई स्वामीनाथन आयोग की, उस वक्त सरकार जो कांग्रेस की थी, तो क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को इन्होंने क्यों नहीं लागू किया, उसके तथ्यों पे काम क्यों नहीं हुआ? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6 वर्षों में लगातार MSP पे बढ़ोतरी की, और जो स्वामीनाथन आयोग की मुख्य मांग थी जिसमें किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो और जो किसानों को जो ऋण मुहैया करवाया जाता है वो 4% पे ऋण मुहैया करवाया जाए, आज देश की सरकार जो है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4% पे किसानों को लोन मुहैया करवा रही है। इसके अलावा इस कानून के आने से किसानों को वैकल्पिक व्यापार करने की सुविधा मिलेगी, MSP से अधिक कोई खरीद देता है तो किसानों को अपनी फसल बेचने की आजादी होगी। लेकिन हमारे मित्र प्रदीप जैन जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं, तो ये बता दे कि इन्होंने किसानों के लिए क्या किया। और जहां के किसान, पंजाब के किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, मैं एक बात इनके माध्यम से पूछूंगा, कांग्रेस के ये नेता है, पंजाब में किसानों के कर्जा माफी की बात करके 2017 में ये कांग्रेस की सरकार बनी थी पंजाब में कितने किसानों का इन्होंने कर्जा माफ किया, पंजाब के किसानों के लिए इन्होंने क्या क्या किया ये जरा बता दे। पूरे देश में कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, जब भी किसानों की बात की भारतीय जनता पार्टी ने की, मेरे भाई ने बता दिया पंजाब भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के कर्जा माफ किया लगाया है। सर भारतीय जनता पार्टी ने तो किसानों का, तभी तो वो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आपने तो उन्हें ऋण देने वाला बना दिया है। थोड़ी देर में आप ये भी बोल देंगे वसीम राजा जी, रोजाना इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है और आप घूम फिर कर एक ही बात करते हैं कि विपक्ष बरगला रहा है। अरे आप देखिए तो सही वहां की तस्वीरें, आप कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब का किसान है, आपके हरियाणा का किसान भी वहां पर बैठा हुआ है, और कुछ किसान क्या, वहां पर कोई 10-20 किसान नहीं है सर, हजारों की संख्या में वहां पर किसान बैठे हुए हैं, आप कितनों को बरगला लेंगे? प्रदीप जी, जी पल्लवी जी, हमारे भाई वसीम जी को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस जब केंद्र में आई थी, जब हम मंत्री थे, उस समय किसानों के 78,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, मनरेगा जैसी योजना लेके आए, और जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है जिनको हमने लागू किया उसके लिए इन्हें धन्यवाद देना चाहिए। और उसके पश्चात अगर इनका कहना है हमने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया तो फिर हमारे खिलाफ वो धरने पे बैठते किसान क्यों? आपकी अपनी मंत्री हरसिमरत कौर आपके खिलाफ बोल रही है, ये कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये लाखों की संख्या में केवल पंजाब के किसान नहीं है, हरियाणा के भी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, पूरे देश के हैं। रोज लॉलीपॉप पकड़ा रहे प्रधानमंत्री, 2,000 रुपए अकाउंट में डाले गई, आप क्या कहना, आप अडानी को बेचना चाहते हैं मंडियों को, क्या चाहते हैं कि मंडी भी कॉरपोरेट की जेब में चली जाए? अगर आपने किसानों के लिए कुछ किया होता तो ठंड में 25 से ज्यादा किसान दम नहीं तोड़ते, अपने अपने घरों में जाते, उनके बच्चे 3 साल के बच्चे, 85 साल के बुजुर्ग लोग वहां पर ऐसे खड़े हैं, यहां तक कि 5,000 लोगों ने अपने मेडल वापस किए। आप राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, आप बताइए 5,000 मेडल करने वाले वो जवान कौन है? क्या वो भारत माता के सपूत नहीं है? पूरा का पूरा जो वायरल तो आपके कार्यकाल की भी चिट्ठी खूब हो रही है, वायरल तो आपके कार्यकाल की चिट्ठी भी खूब हो रही है, कसर तो आपने भी नहीं छोड़ी थी, शरद पवार की चिट्ठी वायरल हो रही है, आपके तो घोषणा पत्र में भी था आपको याद हो तो। आप पल्लवी जी, जो शरद पवार जी ने जो चिट्ठी लिखी थी वो चिट्ठी के अंदर उन्होंने कहा था APMC के अंदर क्या सुधार करना चाहिए, और हम सत्ता में नहीं है, सत्ता ने हमें बेदखल कर दिया, आप सत्ता में बैठे, आपने 6 साल में पूरे देश को बेच दिया, अब किसान बिक नहीं पाएगा, पुलिस के जवान, सेना के जवान, एक एक व्यक्ति इस कानून, काले कानूनों के खिलाफ है, ये विपक्ष के लोग नहीं बैठे,
अगर आपके मन में बिल्कुल भी इनकी वांग भावना नहीं है तो आप जलियांवाला बाग जैसा कांड कर दो, लाठी तो आप चलवा ही रहे, पानी डाल ही रहे ठंड में, गोली और चलवा दीजिए आप, क्योंकि आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपकी पूरा का पूरा संगठन देश के अंदर भाषण दे रहा है, कह रहा है ये किसान आतंकवादी है, ये इन किसानों को पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, चाइना से पैसा आ रहा है। अरे शर्म आना चाहिए, आप उनकी बात न सुनने के बजाय भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन हर देश के अंदर जा रहा है और इनके खिलाफ बरगला रहा है, और कुछ अपने जो चमचे किसान है, जो चमचे संगठन है, उनको आप बुला लेते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये किसान जाने वाले नहीं है, जब तक वो तीनों काले कानून बंद नहीं होंगे। इस बार अपनी बात मनवा कर ही जाएंगे। वसीम राजा जी, लौट रही हूँ, तुरंत आपके पास लौट रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर, ब्रेक के बाद राष्ट्रधर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन को लेकर आज के मुद्दे में हम बातचीत कर रहे हैं, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम राजा जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तमाम जो बातें हैं प्रदीप जी की तरफ से भी कही गई हैं और सरकार से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि किसानों का आंदोलन आखिर कब खत्म होगा। आवाज पहुंच रही है वसीम साहब आप तक? जी जी जी, बोलिए। अब आई आवाज, बोलिए वसीम साहब जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदीप जी को एक बात कहूंगा, ये पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे और किसी भी किसान भाई को चमचा कहना ये अच्छी बात नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश के वो किसान जिन्होंने इस कानून का समर्थन किया वो चमचे हैं? पहले नंबर, ये केंद्र में मंत्री रहे, किसानों का जो देश के अन्नदाता है उनके बारे में शब्दावली को ठीक करना चाहिए। हम तो ये भी तो कह सकते हैं ना, फिर अगर वो उनको आप चमचे कह रहे हैं तो जो किसान जो बैठे हुए जिनको आप लोगों ने बरगला के बैठाया है वो आपके कार्यकर्ता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो बहुत सारे किसान जो धरने में बैठे थे वो वापस लौट गए, बहुत सारी संस्थाएं जो उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों से आके इस कानून में अमेंडमेंट के बाद सरकार को समर्थन कर रही है। जो किसानों की समस्या थी, जो किसानों की मांग थी इस कानून को लेके, उस पर सरकार ने सहमति बताई, सरकार ने अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हुई, उसके बाद किसानों का समर्थन मिला और किसान हमें समर्थन दे रहे हैं। आप उन किसानों को चमचा कह के संबोधन करेंगे ये अच्छी बात नहीं है प्रदीप जी। और एक बात मैं कहूंगा कि जो किसानों, जो 28 किसान मर गए हैं आज, जो देश का किसान, आज जो देश का किसान आत्महत्या करता है उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से वो करता है। देश में सबसे बिल्कुल अडानी और अंबानी है, पार्टी ने राज किया है, ये आपको समझना चाहिए। आप लोगों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। आज भी आप जो किसानों को
चमचा कह के संबोधन कर रहे हैं, बहुत गलत है। किसानों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप एक बात कहिए, मैं एक बात कहूंगा, आप अपने किसानों का बहुत दुख की बात है जो हमारे किसान भाई इस धरने में बैठ के इस धरने में उनकी उनका देहांत हुआ। आज किसानों को वहां पे बैठाने के पीछे आपकी साजिश है, वामपंथियों की साजिश है। आप लोगों की साजिश के तहत किसान को लेकर आपने बरगला के वहां पे बैठा रखा है। इस देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार किसानों के पक्ष में कार्य कर रही है। आप लोग अभी भी किसानों की सुरक्षा करिए। आज पूरे देश से कांग्रेस निपटती जा रही है, सिमट चुकी है और एक आधे राज्य में बची हुई है। अभी तो आप सही रास्ते पे आइए, कभी तो किसानों की बात करिए, इसको बरगलाने की बात मत करिए। ये एपीएमसी एक्ट और जिन कानूनों की बात कर रहे हैं आपके खुद मैनिफेस्टो में था, क्या आप नकार दीजिए कि आपके मैनिफेस्टो में नहीं था? आपके कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो में था। अगर आप अपने मैनिफेस्टो में डाल सकते हैं तो नहीं पसंद आया लोगों को वो मैनिफेस्टो, इसलिए तो आपको सत्ता की चाबी सौंप दी। उनका मैनिफेस्टो समझ नहीं आया तभी तो आपको सत्ता की चाबी सौंप दी। आपने कैसे कर दिया? आपको किसने कहा कि किसानों को ये कानून चाहिए? कौन से किसान संगठनों से आपने बातचीत की थी ये कानून लागू करने से पहले? पल्लवी जी, बहुत लंबे अरसे से इस चीज का बहस होता आ रहा है, इस मुद्दे पे चर्चा होती आ रही है। सामाजिक तौर पे भी, पार्लियामेंट में भी कई बार इस बात इस विषय को लेकर छेड़ बात आई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी आई, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भी है कि किसानों की आय को बढ़ाना पड़ेगा। किसानों की आय को कैसे बढ़ोतरी, सरकार इस पे चिंता करे। हम उस किसानों की आय के बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, किसानों की आय मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। फिर भी आज कांग्रेस को तकलीफ हो रही है क्योंकि कांग्रेस की जमीन जो है देश से खिसक चुकी है। अब किसानों के कंधे पे बंदूक रख के ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। राजनीतिक दल के लिए किसान कंधा ही होता है सर, हर राजनीतिक दल के लिए किसान गरीब मजदूर कंधा ही होता है। बोलिए प्रदीप जी, हमारे लिए किसान कंधा नहीं है, ये पार्टी की अगर बातों में इतनी सच्चाई होती ना आपकी बातों में 28 दिन नहीं लगते आपको। और उससे पहले पंजाब में 3 महीने से किसान बैठे हुए थे, रेलवे ट्रैक तक ब्लॉक करके बैठे हुए थे, इतना ही आपको परवाह होती तो। प्रदीप जी, जी जी पल्लवी जी, सबसे पहले मैं इनसे कहना चाहूंगा ये असली किसान समझे जो 60 डिग्री सेल्सियस में हाड़ कपा देने वाली सर्दी में बैठे हुए मर रहे हैं, वो किसान है और उन्हें परवाह है देश की। अगर ये किसान नहीं है तो आप इनके बीच में जाकर इनको हटवाने की ताकत रखते हो तो हटवा दीजिए, लेकिन नहीं, आपके प्रधानमंत्री जी मन की बात बोलते हैं लेकिन किसानों के बीच में नहीं जा पाते। आज क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आप हर जगह अहंकार में डूबे हुए हैं। आपको लगता है कि जहां आपकी सरकार नहीं है वहां के किसान आए हैं? अरे सर माना चाहिए ऐसी सोच पे। ये 80 साल के बुजुर्ग, ये मध्य प्रदेश के भी हैं, गुजरात के भी हैं, आप गिनती देखना जानते हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, इसमें कर्नाटक के भी हैं, कम से कम 15 लाख किसान बैठे हैं। और इतने दिनों से बैठने के बाद आपसे ये भी नहीं हो रहा कि आप ये बोल दो कि हम ये तीनों काले कानून वापस ले लेंगे। आप पूछ लीजिए अडानी से, जिनसे पूछ के आपने कानून बनाए, अंबानी से पूछ लीजिए, अब तो वो भी तैयार हो जाएंगे क्योंकि उनके यहां भी विरोध पहुंच गया, उनके घर के आगे विरोध पहुंच गया। जिनके इशारे पे आपने कानून बनाए उनसे अनुमति ले लें आप, लेकिन नहीं, आपको अनुमति मिल रही है अभी, लेकिन मिलेगी। प्रदीप जैन जी, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, बीजेपी के विधायकों का ये कहना है कि जब सत्ता में रहते हुए मोदी जी ने अपने भाइयों को ही कोई मदद नहीं पहुंचाई तो अंबानी अडानी को मदद पहुंचाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, इसलिए अमित शाह जी के बेटे जयसाई की संपत्ति 18,000 गुनी हो गई, 50,000 रुपए के लोग 80 करोड़ रुपए का लाभ हो गया। वो तो ऑथेंटिक है, गूगल में डला। किन किन चीजों के बारे में इनको बताएं? इनका ऐसा कोई विधायक सांसद नहीं होगा जिसके अंदर गगनचुंबी अट्टालिका नहीं बनी, गाड़ियों के काफले नहीं हो, प्रधानमंत्री खुद 8,000 करोड़ रुपए का प्लेन खरीद रहे हैं एक दिन का उनका। आप देखते हो, प्रतिक्रिया ले लेते हैं वसीम जी से। बोलिए वसीम जी। नहीं पल्लवी जी, देश उस स्थिति में है जिस स्थिति में पहली जरूरत अन्नदाता की है, उस अन्नदाता उसी का विरोध झेल रहे हैं वो, उसी का विरोध झेल रहे हैं वो, उसी का ही विरोध झेल रहे हैं। आपकी बात हमने सुनी, जैन साहब हमारी बात सुनिए पहले। एंकर इनको ले लूंगा,
बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी पूरी। आप बात करते हो अडानी अंबानी की, आपकी सरकारों के मंत्री सोनिया गांधी तक अडानी अंबानी के घरों में बैठी रही। ये काम आप करते थे अडानी अंबानी या ऐसे पूंजीपतियों के घर जाके कानून बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप गले प्रधानमंत्री जी हाथ डालते हैं, अंबानी की पत्नी के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहती है, कितने रॉबर्ट वाड्रा को दिया वो आपकी सरकार ने किया। कुछ नहीं बताइए ना, रॉबर्ट वाड्रा को किसानों के लिए जमीन दी गई, आप किसने दिया? किसानों की जमीन आप लोगों ने हड़प ली। रॉबर्ट वाड्रा ने अडानी अंबानी की, आप सत्ता में आ गए, जाते हो आपने क्या किया? रॉबर्ट वाड्रा अपराधी है, अगर वो कहते हैं आपको कार्रवाई छुपी करते सार्थक रहने देते हैं। जैन जैन जी, वसीम साहब, बहस को सार्थक रहने देते हैं। रॉबर्ट वाड्रा और अडानी अंबानी को बाद में देख लेंगे। 135 करोड़ जनता के लिए भटकाते हैं अंबानी और अडानी, तो इसको खरीदेंगे जैसे उन्होंने BSNL खरीद लिया, जैसे उन्होंने लखनऊ का एयरपोर्ट खरीद लिया, भारतीय ट्रेन खरीद ली। ये कोई जुमला नहीं है। वो किसानों की जमीन हड़प गए, आप उन्हें सड़क पर ले आए, दोनों में वही फर्क क्या रहा? सड़क पर नहीं लेके आए, सड़क पर ही है सर, किसान सड़क पर ही। आप जरा देखिए, अपने चश्मे से हटकर देखिए, राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहां पर किसान बैठा ही नहीं है। किसानों को सड़क पर बैठाने का कार्य कांग्रेस ने और वामपंथी के नेताओं ने, वामपंथी ने बरगला के कुछ किसानों को लेकर वहां पर बैठा रखा है। देश में किसानों का समर्थन मिल रहा है, हमें लगातार किसान जो जत्थेबंदियां हैं इस कानून का स्वागत कर रही है, उत्तर प्रदेश हो, ठीक है, वो आपके किसान जत्थेबंदियां होंगी जो इन किसान कानूनों का समर्थन कर रही हैं। वो आप अलग से ही कोई जत्थेबंदियां लेकर आ रहे होंगे शायद, क्योंकि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। सर, समय की बहुत कमी है हमारे पास। प्रदीप जी, आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूंगी जल्दी से। हमारा कहना यह है कि अभी भी अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है तो तीनों काले कानून वापस लें और अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति इन किसानों के विरोध में नहीं लगाएं, जो बार बार हर जगह इनको आतंकवादी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा गैंग के बता रहे हैं। आज जिस तरह से इन किसानों की भावनाएं आहत हुई, इससे पूरे गांव गांव के किसान उद्वेलित हैं, जो इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे अगर इन्होंने अपना घमंड नहीं तोड़ा। ठीक है प्रदीप जी, कोई बात नहीं। देखिए, किसान इस समय अड़िग हैं और वो हर हाल में अपनी बात मनवा लेंगे। उनकी मांगे जायज है तो सरकार को भी आगे झुकना ही पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो राष्ट्र धर्म में आज हमने बात की किसान कानूनों के बारे में। दरअसल किसानों ने एक बार फिर से सरकार के साथ वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि सरकार आगे का क्या कुछ रास्ता निकालती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।